नमस्कार शारदा बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल नावा से मैं विजयपाल सिंह। मैं आज मैथ्स में आपको इंडियन नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ। इसमें एक दो पीरियड्स होते हैं और एक प्लेसेस होते हैं। पीरियड्स में वंस, वंस के बाद थाउजेंड्स, थाउजेंड्स के बाद लैक्स पीरियड आता है, लैक्स के बाद करोड्स पीरियड आता है। इस प्रकार से ये पीरियड्स होते हैं। वंस पीरियड में थ्री प्लेसेस होते हैं, वंस, टेंस और हंड्रेड्स। थाउजेंड में टू प्लेसेस होते हैं, थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड। लैक्स में टू प्लेसेस होते हैं, लैक, टेन लैक। करोड़ में टू प्लेसेस होते हैं, करोड़, टेन करोड़। तो इस प्रकार से इंडियन सिस्टम में स्टार्टिंग राइट हैंड साइड से जब हम नंबर को लिखते हैं तो उसमें पहले कॉमा लगाना पड़ता है। कॉमा के बाद कॉमा हम पीरियड्स के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो हम देखते हैं वन, टू और थ्री डिजिट्स, यानी कि थ्री प्लेसेस के बाद वंस पीरियड खत्म हो जाता है तो वहां पर एक कॉमा आ जाएगा। उसके बाद थाउजेंड्स में वन, टू, टू के बाद फिर कॉमा आ जाएगा। लैक्स में वन, टू, टू के बाद फिर कॉमा आ जाएगा। क्रोर्स में वन, टू और टू के बाद फिर कॉमा आ जाएगा। तो इस प्रकार से इंडियन सिस्टम में जो कॉमा का सिस्टम चलता है वो इस प्रकार से चलता है कि पहले थ्री डिजिट्स लेते हैं, उसके बाद टू, टू, टू डिजिट्स के बाद कॉमा लगाते जाते हैं। और किसी नंबर का नंबर नेम लिखने के लिए हमको सबसे पहले कॉमा लगाना होता है। तो इधर से देखो, इस नंबर में हम सबसे पहले वन, टू, थ्री, थ्री के बाद ये कॉमा लगा दिया, वन, टू, टू के बाद कॉमा लगा दिया, वन, टू, टू के बाद कॉमा लगा दिया। तो हम देखते हैं ये वंस पीरियड है, ये थाउजेंड पीरियड है, ये लैक्स पीरियड है और ये करोड़ पीरियड है। हम देखते हैं करोड़ में कितना है, टू। लैक में कितना है, जीरो फोर, जिसको कि हम बोलेंगे फोर। जीरो फोर का मतलब होता है फोर। थाउजेंड्स में है 93, तो ये 93,000 हो गए। और वंस पीरियड में है 073, 073 को किस प्रकार से बोला जाता है, जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, तो क्या बच गया 73। किसी भी नंबर के आगे जीरो का कोई मतलब नहीं होता, तो ये 73 हो गया। तो इस नंबर को हम रीड किस प्रकार करेंगे, 2 crore, लैक में 04 है तो 4,93,073। तो आप इसको इस प्रकार से लिख देंगे, 2 crore 4 lakhs, उसके बाद 93,000 एंड 73। तो इस प्रकार से इसका नंबर नेम हो गया। अगला नंबर है, इसमें हम फिर से 1, 2, 3 के बाद कॉमा लगाएंगे, 1, 2 के बाद कॉमा लगाएंगे, 1, 2 के बाद कॉमा लगाएंगे। तो इस प्रकार से ये हो गया वंस पीरियड। उसके बाद ये आ गया थाउजेंड, ये आ गया लैक और ये आ गया करोड़। तो करोड़ में हम देख रहे हैं 11 है, लैक में भी 11 है, थाउजेंड में भी 11 है और वंस पीरियड में 111 है। तो हम इसको 11 करोड़, 11 लैक, 11,000, 111 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 11 करोड़, 11 लैक, 11,000 5। इस प्रकार से इसका नंबर नेम हो गया 7 करोड़ 2 लाख 305। 1000 नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि
इक्वल जीरो है, ठीक है। अब इस नंबर पर आते हैं, वन टू थ्री के बाद कोमा, वन टू कोमा, वन टू कोमा, वन टू, ठीक है। ये वन पीरियड हो गया, ये थाउजेंड पीरियड हो गया, ये लैक हो गया, ये क्रोन हो गया। इस बार आप देखते हैं लैक में डबल जीरो है तो लैक को नहीं बोला जाएगा, तो फिर क्या बोलेंगे, 22 करोड़ 35,000 और ये हो गया 114, तो इसको आप इसी प्रकार से लिख देंगे 22 करोड़ 35,000 35,000 114। इस प्रकार से हम करोड़ तक के नंबर का नंबर में लिख सकते हैं। आज मैं आपको इतना ही बताऊंगा, आप लोग घर पे इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग प्रकार के नंबर लिखिए। नंबर कितने डिजिट तक लिखने हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट तक के कोई भी नंबर लिखिए आपको जो पसंद हो, और उनका नंबर नेम लिखने की कोशिश कीजिए। बीच बीच में जीरो लगाकर भी ट्राई कीजिए, कुछ कम डिजिट के नंबर भी लिखने की कोशिश कीजिए, कुछ ज्यादा डिजिट के नंबर भी लिखने की कोशिश कीजिए, तो इस प्रकार से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी नंबर नेम लिखने की।